कर लो कर लो आप जैसे भी। और कैसे चल रही तैयारी तुम्हारे? तो मतलब अप्रैल में मैं है ना, मैंने डेट शीट देखी नहीं अभी। वैसे कब का अप्रैल कौन में सा अभी पेपर? डेट शीट लॉन्च नहीं हुई थी। हाँ वो अप्रैल डेट शीट आई नहीं अभी, हमारे नहीं यहाँ अभी निकाल आई दी थी नहीं। दिसंबर में। 4th of May से पेपर है। हाँ 4th of May से। ओके अच्छा चलो, अरमान, पहले तो पहले अरमान एक मिनट, इंग्लिश वगैरह का होगा। मैं क्या कह रहा हूँ अरमान, अपने बारे में हल्का सा इंट्रो दे दे कि क्लास 12th में तेरे पहले नंबर कितने आए हैं, जिससे लोगों को पहले भरोसा हो जाए कि तू बताने लायक बंदा है। मेरे नंबर जो है वो इको में 100 आए हैं, अकाउंट्स में 99 थे। BST का पेपर नहीं हुआ तो उसका बताने का कोई फायदा ही नहीं है। तो भी बता तो ठीक, दे एवरेज लगा कितना। उसके 98 थे, 98 थे, 98, जिसको पता नहीं है भाई। इंग्लिश में 98 एंड और कौन सा सब्जेक्ट मेरे पास, मैथ्स था उसमें 95 थे एंड फिजिकल में भी 95 थे भाई। ठीक है। और आप इंग्लिश इंग्लिश में में आई नहीं, आएंगे? इंग्लिश हैं इंग्लिश में में, 96 थे, इंग्लिश में इंग्लिश 96, में, 96 और मुझे बोल रहा वो था इंग्लिश इंग्लिश में कम रह गए। इसमें तो 3 पास हो जाएंगे, तीन चार। तो मैंने, यार देखो प्राइमरीली मुझे पता था कि इंग्लिश में ना, देख तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है फॉलो करने की। तुम्हारे पास अभी जान खत्म हो गई, तुम्हारे पास अभी रह गए 3 महीने गिनती के, ठीक? तो क्या क्या फॉलो कर रहे हो स्ट्रैटेजी, थोड़ा कुछ बताओ। अकाउंट्स तुम्हारा हो जाना करंट चाहिए अफेयर अभी, फॉलो करवा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट का अकाउंट्स अकाउंट्स तुम्हारा हो जाना चाहिए अभी अच्छे से। अकाउंट्स प्रोग्रेस में, अकाउंट्स में चल रहा है भैया, अच्छा, अकाउंट्स चल रहा है प्रोग्रेस तुम्हारा, में। वही तुम्हारे इश्यूज वही आए यार। मतलब तुम्हारा ना, हमारा भी वही ऑनलाइन वाला सिस्टम बेड़ा गर्क किया वो। आप मतलब कितना टाइम स्पेंड करते थे डेली बेसिस पे? रुको यार, मेरा ना दोस्त भी आ रहा है एक, मैं उसको भी एडमिट कर ही रहा हूँ। सो देखो यार, अकाउंट्स के लिए तो मैं 3-4 घंटे मिनिमम रोज देता था, ठीक? तो उसको रोज दो तीन चार दस तीन से आई चार थिंक घंटे तो नहीं मैम देने ही है। करें। एंड में आके मैंने क्या किया था, मैंने पहले अकाउंट्स खत्म किया था अपना। अकाउंट्स कभी कभार, मतलब अकाउंट्स जैसे तुम्हें पता है सब्जेक्ट टाइम टेकिंग है, ठीक? सर एक अर्जित सिंगला है, उसको भी एडमिट कर लो। आज तो जाए, पहले रिक्वेस्ट आ तो जाए मेरे पे। हाँ जी, हाँ जी, वो लॉबी में है। सो अकाउंट्स जैसा मेरा हैवी सब्जेक्ट होता है, वो 7 से 8 घंटे भी जाता है दिन का रोज, ठीक? एंड पहले मैंने अकाउंट्स खत्म किया था अपना कि अकाउंट्स में मुझे कोई चूक नहीं रहे। दिसंबर तक मेरा, नवंबर दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो गया था। एंड वाले जो तीन चार महीने थे, मैंने किया इंग्लिश, मैंने किया मैथ्स। अकाउंट्स के बस मैं टेस्ट देता था, अकाउंट्स और इको के। मेरा सारा सिलेबस दिसंबर तक अकाउंट्स इको का खत्म था, इको और BST तीन मेन सब्जेक्ट का। सो ये अर्जित भी मेरे साथ श्रीराम कॉलेज में ही है, बीकॉम ऑनर्स। सो अर्जित वीडियो ऑन कर ले एक बार भाई। हेलो एवरीवन, एक मिनट। अच्छा अरमान देख, इनको इस तरीके से स्ट्रेटेजी बता कि इनका अगर सिलेबस फरवरी के एंड तक, या मुश्किल से मुश्किल लास्ट टू लास्ट, अगर 15th of मार्च तक हम इनका सिलेबस अगर कंप्लीट कर दें, 15th of मार्च तक, तो लास्ट 45 डेज में इनकी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए? और अगर हमको 15th of मार्च तक इनको सिलेबस कंप्लीट करना है, वैसे तो मैं इनको डेली बेसिस पे गाइड कर रहा हूँ कि कैसे आपको 15th of मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करना है, तो 15th of मार्च तक इनकी क्या थिंकिंग होनी चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए? उसके बाद जो लास्ट 45 डेज मिलते हैं, तो अर्जित आप, अरमान आप, इनको भैया बताओ कि लास्ट 45 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फ्रॉम 16th of अप्रैल, फ्रॉम 16th of मार्च टिल 30th of अप्रैल, 45 डेज की लास्ट 45 डेज स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए? और इसके साथ साथ 15th of मार्च तक इनको किस मेंटेलिटी से पढ़ाई करनी चाहिए कि लास्ट 45 डेज इनके इजी हो जाएं? जस्ट बिकॉज आप लोग अभी रिसेंटली पास आउट हुए हो, तो आप ज्यादा इफेक्टिवली बता पाओगे, इनसे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे आप लोग। ठीक है, ओवर टू यू। अर्जित पहले तू ले रहा है या मैं लूं? पहले तू बता, फिर मैं बताता हूँ। सो देखो यार, मतलब अभी तक तुम सबको भी पता तुम कितने पानी में हो, ठीक है? कौन सा तुम्हारा टॉपिक अच्छा है, कौन सा नहीं है। ओके, BST अच्छा है, इको में प्रॉब्लम है, IED में प्रॉब्लम है, तुम सबको पता है। अभी टेस्ट देना शुरू करो,
अकाउंट्स के टेस्ट दो, पूरे पूरे पेपर उठा लिया करूँ, ठीक है? मैं एक दिन में एक पेपर उठा लेता था अकाउंट्स का, ठीक, एंड में एक दे मतलब हफ्ते में दो तीन पेपर मैं करता था अकाउंट्स के, फुल फुल पेपर। एंड ये नहीं कि बस मजे से लगे हुए हो, प्रॉपर टाइमर के साथ तुम लगे हो। मतलब फोन पे अलार्म लगाओ अपना आराम से, ठीक, अलार्म लगाओ, तुम टाइम के साथ तुम पेपर दे रहे हो, एंड यही समझ के दो कि प्रॉपर तुम्हें फाइनल पेपर है वो तुम्हारा, अच्छे से सारा मतलब वो तुम फाइनल पेपर में जैसे सारा टी शेप अकाउंट्स बना रहे हो, ठीक है, पेंसिल स्केल जैसा भी जो भी है तुम्हारा, वैसा पेपर करो अपना, वो करना शुरू करो, अपना टाइम देखो कहाँ पे गलती कर रहे हो, वहां पे देखो, अब गलतियां नोटिस करो एंड उनमें उन्हें इंप्रूव करो। एंड एंड वाले 50-45 days, 1 month इसी काम के लिए होता है, उसमें तुम अभी दोबारा किताबों में घुसोगे मरोगे। तो मैंने यही किया था, एंड ऊपर से कई काफी किताबें आती हैं, सो मैं जब देख रहा था सर ने शॉर्ट नोटिस पे, ऐसी पतली पतली सी किताबें आती हैं, ये उनकी है सुभाष डे सर की, ये वाली तुम्हारे पास भी आई होगी अभी तो, सॉफ्ट कॉपी आई है बीएसटी सर, की आएगी, सॉफ्ट कॉपी। बीएसटी की है मेरे पसंद की। बीएसटी इको मैंने दो 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 थी मेरे पास ये वाली, ठीक। सो ऐसी किताबें, नोट्स चाहे मत देखो इनके, इनके क्वेश्चन बस करो, ऐसी किताबों क्वेश्चन बस करो, क्वेश्चन बैंक अभी फोकस करो, क्वेश्चन बैंक पे और कुछ नहीं चाहिए अभी इस मोमेंट पे ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए मतलब एंड वाले 45 days तुमने इंग्लिश नहीं किए तो इंग्लिश करो, मैथ्स नहीं किया, मैंने मैथ्स नहीं किया था, मैंने 3 महीने 4 महीने मैथ्स और इंग्लिश को दिए, अकाउंट्स मैंने बस पेपर दिए, अपने किताब नहीं मैंने खोली अकाउंट्स की 3-4 महीने एंड में, तो मैंने यही किया। आप इकोनॉमिक्स के लिए गाइड करो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे कुछ आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हैं, तो इकोनॉमिक्स को लेके पहले आप अच्छे से गाइड करो, बाकी के सब्जेक्ट आप बाद में वो गाइड कर देना, ठीक है? हमारे साथ इस समय 12th के 3 बच्चे मौजूद हैं, लास्ट ईयर के, एक अरमान है हमारे साथ, एक अरजीत है और एक हमारे संग शायना आ चुकी है। मैंने इन तीनों को फटाफट बुलाया, मैंने कहा जैसे भी बैठे हो आ जाओ बस ऑनलाइन क्लास में, बच्चों से बात करवानी है, तो ये शॉर्ट नोटिस पर आ गए हैं, तो ये आपको बताएंगे अरमान और अरजीत एंड शायना। आप एक एक करके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, अगर मीटिंग लंबी खींचनी पड़े तो मैं एक और लिंक जनरेट कर दूंगा द्वारा मीटिंग का, अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है? आप इकोनॉमिक्स को लेके सबसे पहले गाइड करो, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है? चालू हो जाओ। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स के सबसे पहले मैक्रो हो चुकी होगी के क्या सिस्टम है मैक्रो का? भैया सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बट वो चीजें ना माइंड में दोबारा मतलब भूल जाती है, ये प्रॉब्लम आती है मेन तो। किससे कर रहे हो, किससे कर रहे हो मैक्रो? ओ सॉरी, आईडी। संदीप कर गया दोनों की, मैक्रो की भी और उसकी भी। वी ठीक है, वीके पब्लिकेशन, वीके पब्लिकेशन, वो टीआरजन। हाँ जी, वो किताब को आग लगा दे वो किताब बहुत घटिया किताब थी, मैंने भी फॉलो की थी, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैंने एनसीईआरटी उठाई है बाद में। संदीप गर के साथ ये है, संदीप गर का डेटा मत करो, डेटा एनसीईआरटी से उठा लेना, संदीप गर पूरी एनसीईआरटी है, बाकी सर के पास नोट्स होंगे थोड़े से, वो सर ने पिछले साल दिए थे वो भी सेम है, बाकी एक ये किताब थी यार, इसमें भी ये सारी एनसीईआरटी थी, इसमें भी कुछ ज्यादा था नहीं, सुभाष डे की। एनसीईआरटी से करो, एनसीईआरटी ही बेस्ट है इस मोमेंट पे। ओवर टू यू। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मैक्रो तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, तो वो आप एक बार अगर कर लोगे तो मेरे को लगता है कि वो आपको मतलब याद रहने चाहिए, और उसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है, तो उसके अंदर लर्निंग पे इतना फोकस नहीं भी हो तो भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए आप संदीप गर्ग को रेफर कर सकते हो, और क्वेश्चन वगैरह एक्स्ट्रा बुक से देख लो। इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी को फॉलो करो, जो भी डाटा आपने लर्न करना है वो एनसीईआरटी से करो, जो भी आपने लैंग्वेज लिखनी है वो एनसीईआरटी की हो, क्योंकि एंड मोमेंट पे यही होना है कि जो आंसर की बनेगी वो एनसीईआरटी के बेसिस पे बनेगी, तो चेक करने भी उस हिसाब से चेक करना है, तो आपकी लैंग्वेज एनसीईआरटी के बेसिस पे होनी चाहिए। एक्स्ट्रा मटेरियल आप जितना मर्जी देखो, क्वेश्चन वगैरह, पर लर्निंग एनसीईआरटी से करो। यार देखो, काफी सारे जो पब्लिशर है ना वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज फॉलो करते हैं,
मैं सुभाष डे की किताब देखी थी, संदीप गर्ग की देखी थी, उनमें एनसीईआरटी की भाषा लिखी हुई थी, डिट्टो लैंग्वेज तो एनसीईआरटी की ही एक्सेप्टेबल है, एनसीईआरटी की है, डेटा भी एनसीईआरटी का होना चाहिए. एंड मोर ओवर मैंने लास्ट मोमेंट पे किया था कि सीबीएसई के एक बार पेपर उठा लिए थे लास्ट ईयर के, तो सीबीएसई के पेपर उठाओ, वो हर सब्जेक्ट के उठाने पड़ेंगे तुम्हें, चाहे जो मर्जी हो जाए. फिजिकल का रहने रहने दो, ठीक है, हमारा तो तुम्हारा चाहे पैटर्न चेंज हो गया बट क्वेश्चंस उसके वही करो, क्वेश्चंस तुम उठाओ उससे. एंड एक स्ट्रेटजी ये भी फॉलो की थी मैंने कि एंड में ना मैक्रो के बने बनाए तुम देखना शुरू करोगे जैसे जैसे, ठीक है, तो मैक्रो में काफी चीजें रिपीट होती हैं हर बार क्वेश्चंस मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ऑलमोस्ट हर हर एक दो साल के बाद एक वो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम के नोट लिखना आ रहा है, ठीक है. तो ऐसे ही सिस्टम है यहाँ पे सीबीएसई में, तो तुम वो क्वेश्चंस कर लो एक बार, ठीक. पुराने पेपर भी उठा रहे इस 45 दिनों में. देख अरमान और अरजीत आपके आप क्या कहते हैं, अरमान पहले सॉरी अरजीत, आप एक बार अपने मार्क्स बता दो जरा अकाउंट बीएस इनको के बच्चों को जरा एक बार प्लीज. मेरे अकाउंट्स बीएसटी में 99 है और इकोनॉमिक्स में 98. ठीक है. अब देखो कल कोमल झा हमारे संग स्टूडेंट थे क्लास 12 की, इसका मेरे को एक सवाल था कि सर हम 70s तक तो पहुंच जाते हैं बट 70 से 79 या 80 तक का टारगेट या ये कह लो 90 से 100 तक का टारगेट होता क्या है? हम बहुत बार मिस्टेक्स कर रहे थे, ऐसी मिस्टेक्स कि हमको पता नहीं चलता कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है. टीचर को आंसर पे टिक लगाता है लेकिन पूरे मार्क्स नहीं देता, और टीचर से पूछो तो टीचर कहता है परफेक्शन लेकर आओ. तो आप मेरे को ये बताओ कि आपने ये हर्डल कैसे पास आउट किया था, हर एक सब्जेक्ट का बताना, मैथ्स का भी बताना, मैथ्स के भी स्टूडेंट और बाकी सब्जेक्ट के भी. तो मैं बता दूं? हाँ जी. तो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है तो उसमें तो मैं खुद यही मानता हूँ कि 75 तक आपकी मेहनत है, 5 आपकी किस्मत है, क्योंकि टीचर का जो वो है माइंडसेट है या जो भी है कॉपी चेकर का, तो वो काफी इम्पैक्ट करता है. पर आप अपनी तरफ से बेस्ट यही कर सकते हो कि लैंग्वेज एनसीईआरटी की लिखो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन वगैरह करो, प्रेजेंटेशन पे काफी फोकस करो कि जो भी मतलब लेंथी क्वेश्चंस हैं उनको पॉइंट्स वगैरह में बना सकते हैं. तो हां जी, तो प्रेजेंटेशन पे काफी फोकस होना चाहिए. आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी, इसमें हर एक आंसर मैंने मार्क किया था आईडी में, एंड इसका बहुत बड़ा रोल था मेरे 100 का. अगर मेरे इकोनॉमिक्स में पता नहीं कैसे गलती से 100 आए थे तो वो इसी कारण आए थे. तो वो ये मैंने आपने कॉपी चेकर को इंप्रेस करना है. पॉइंट्स में आंसर लिखो, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया है, अगर कोई इशू होगा ये किताब मिलेगी एंड में, इसी किताब से सारे नोट्स बनते हैं. मैंने मेरे पास 2-3 किताबें क्वेश्चन बैंक की, सारी इसी से हैं. वो भी है मेरे पास, वो क्या थी वो मैंने दे दी यार, गर्ग, संदीप गर्ग. इसीलिए बोल रहा हूँ जो किताब खुलेगी इसी से खुलनी है, इसी से करना पड़ेगा तुम्हें. देखो इंडियन इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी तो सबसे बेस्ट किताब है ही, लेकिन कभी कभार क्या होता है एनसीईआरटी के अंदर ना तो आपको हेडिंग्स मिलेंगी ना आपको पॉइंटर्स मिलेंगे, ठीक है. तो ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है एनसीईआरटी का वो यही है कि हमको पता तो है कि एनसीईआरटी से पढ़ना, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता क्योंकि पैराग्राफ से कहाँ कौन सी बात शिफ्ट हो जाती है वो हमको पता नहीं चलता. तो उसकी सहूलियत के लिए आपके पास मैंने अपने एनसीईआरटी के मॉडिफाइड नोट्स दे रखे हैं, जिसमें मैंने एनसीईआरटी को ही कॉपी पेस्ट करके छापा हुआ है, बस मॉडिफाई कर दिया है, बस उसको चेहरा बदल दिया उसका. लोग कहते हैं ना पुराने जमाने में टीबीसी सर्जरी होती थी, अपग्रेड, ठीक है ना, प्लास्टिक सर्जरी कर दी मैंने उनकी, है वही पैराग्राफ्स को मैंने 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स में बदल दिया है, ठीक है. बहुत रिसर्च के साथ वो नोट्स बनाए क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए. अगर आपको एनसीईआरटी बुक है तो सबसे पहले तो यही प्रेफरेंस है कि आप वही फॉलो करो, ठीक है. अगर आपसे एनसीईआरटी फॉलो नहीं होती है तो संदीप भाई आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो जो मेरे वाले नोट्स हैं आप उन्हीं को डिट्टो कॉपी एनसीईआरटी है, एक भी वर्ड इधर से उधर का नहीं मिलेगा, आप उसको फॉलो कर लेना, ठीक है.
जैसा कि टारगेट ये है कि आपको क्या करना है एनसीईआरटी के लिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जो एनसीईआरटी का चैप्टर एंड होता है तो 10-12 क्वेश्चन होते हैं, उन 10-12 क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा, पूरा ओवरव्यू ले जाएगा वो, ठीक है। तो अगर आपने चैप्टर के पीछे के 10 क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो समझ लो आपका 80-90% चैप्टर तो ऑलरेडी ही कवर हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ अगर टॉपिक्स बचते हैं तो आप उसको थॉरली रीड करोगे, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैंने अभी अरमान और अरजीत और शाइना, मैंने इनको बोला है कि जैसे आप इंग्लिश में नोट मेकिंग होती थी आपकी, वैसी इंडियन इकोनॉमी की आप नोट मेकिंग स्टाइल में नोट्स बनाओ, अभी पढ़ो आप एनसीईआरटी से और नोट मेकिंग स्टाइल में नोट्स बनाओ, जस्ट बिकॉज क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आप 200-250 पेज किताब रीड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। मान के चलो एग्जाम सुबह 10:30 बजे, आप सुबह 4-5 बजे उठ के भी रिवाइज करने बैठते हो, तो यू इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज 200-300 पेजेस एट द डे ऑफ द एग्जाम। तो इसलिए आपके अगर 15-20 पेज के समरी नोट्स भी होंगे ना, तो उस दिन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेन थिंग यही है, आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है इंडियन इकोनॉमी में। मैक्रो के लिए आप किसी भी टीचर की किताब उठा लो या किसी भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लो, वो डिट्टो कॉपी पेस्ट ही मिलेंगे। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी के अलावा और कोई किताब मत उठाना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है। और इंडियन इकोनॉमी में आपको अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाने, 40-on-40 लाने हैं, तो ये समझ लो जैसे रोज सुबह ब्रश करते हो ना, वैसे रोज सुबह इंडियन इकोनॉमी उठानी है पूरे दिन भर में। मतलब जितने मल्टीपल रिविजन हो जाएंगे उतना बेस्ट है तुम्हारे पास इंडियन इकोनॉमी में नंबर लाने के लिए, क्योंकि पुरानी कहानी है, हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में कोई स्टोरी नहीं होती है, कोई पिक्चर है, देखोगे समझ में आ जाएगी, लेकिन याद करने के लिए वो पिक्चर को बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है नहीं, समझ रहे हो, बस ये बात बोला जाए कि तुम्हारे साथ ना क्या सिस्टम है ये वाला, कि आईडी में दो दो पेपर्स 2-3 दिए दे देना एंड में, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 2 बार तुम्हारे हाथ से निकला हो, अभी तो तुम्हारे पास वो बोर्ड के पेपर भी होंगे, है ना, पिछले साल जो हमारे हुए, तो एक बार वो भी देखना, फुल ईयर पेपर करो। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स तो यार मतलब तुम सीबीएसई की पास्ट ईयर पेपर भी कर जाओगे, बहुत अच्छी है वो, ठीक। 2008 मतलब पता नहीं एक ऐप से उसके 2008 से अवेलेबल था वो, ठीक। 2008 से लेके 20 तक बस क्वेश्चंस देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनेज फ्लोटिंग का सिस्टम मुझे अभी तक याद है, डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन, ठीक है, उसमें वो आते होते थे, नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल है, क्रेडिट क्रिएशन हो गया आपका, हाँ क्रेडिट क्रिएशन न्यूमेरिकल, तुम्हें खुद पता लगेगा, क्लैरिटी मिल जाएगी पेपर किस कैसे आना है। तुमने अगर 10 पेपर रीड भी कर लिए ना, तुम्हें पता लग जाएगा इस बार ये आएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार ये आएगा। यार मुझे पता था मैंने लास्ट 10 ईयर ले लो, लास्ट 10 ईयर ले लो, वही सेम बात है यार, क्या ही फर्क पड़ता है। या तो डाउन फ्री वाला बता, ज्यादा ले ले, बात एक ही है, 200 किसी ने तुझे कर ले, इसका इसका नाम देख लो, आर्यन चौहान, इसके पास पैसे ज्यादा है, टेलीग्राम नहीं चलाता लगता वो ऐप मिलता है यार, ऐसे में टेलीग्राम नहीं चलता। चलो कोई ना वो तो कर लो, अकाउंट्स तो प्रैक्टिस है उसके लिए, सीबीएसई के कंपार्टमेंट के पेपर उठा लो, वो काफी अच्छे होते हैं, पता लग जाएगा कितने पानी में हो। ये एंड वाले दिनों में नहीं करना, एंड वाले दिनों में सीबीएसई के पेपर करने हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा उससे। कंपार्टमेंट के पेपर उठा लो, मैंने 19 का उठाया था, सबसे पहले वो पेपर किया था, उससे उसके बाद एक वो सैंपल पेपर्स काफी पब्लिशर निकालते भी हैं, एक आध वो ले लो अगर तुम्हें ज्यादा मन है, ठीक है। अभी तो 45 एंड वाले 45 दिनों में पेपर्स करो, मैंने एसआरएफ रिफ्रेशर से, कोमल जा तुम अनम्यूट कर लो यार, उसके एनसीईआरटी के तुम्हें वो भी आते हैं वैसे, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जरूरत नहीं है, अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी है तो नई किताब इस मोमेंट पे तो नहीं पकड़ोगे तुम, ठीक। तुम देख लो अगर ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है फिर पकड़ लो, एसआरएफ रिफ्रेशर मुझे नहीं पता क्या किताब है, मैंने नहीं फॉलो की, तो मैं तो नहीं गाइड कर पाऊंगा इस पे। भैया मैथ्स के लिए गाइड कर दो थोड़ा, मैथ्स के लिए अर्जित
तो मैथ्स के लिए मतलब बेसिकली मैंने ऐसे किया था कि जब मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे तो उससे पहले सारा सिलेबस डन था मेरा, क्योंकि तो लिमिटेड चैप्टर्स ही हैं वैसे मैथ्स में, और मेन मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया उसमें। और जैसे मैं ट्यूशन जाता था तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे तो थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल हो सकता है उसके अंदर, जो पास्ट पेपर है, सैम्पल पेपर्स, ये सब। और उसके मैथ्स के अंदर मैंने एक चीज क्या की थी कि एक बुक आती है उसके अंदर 40 सैंपल पेपर्स होते हैं, तो मैंने टोटल 40 सैंपल पेपर्स वो सॉल्व कर लिए थे, क्योंकि मेरा सिलेबस काफी जल्दी खत्म हो गया था मैथ्स का। तो उसके बाद मैंने वो सैंपल पेपर्स उठाने शुरू किए और उसके डाउट्स वगैरह लिखे, तो उसमें पता लग रहा था कि पैटर्न काफी रिपीट होता है, तो ऐसे हो गया था मैथ्स प्रैक्टिस से, मतलब सैंपल पेपर्स। मैथ्स के लिए ना ये किताब आती है अरिहंत की, ये एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। मैंने एंड में ये भी देखे थे, मैं अपना बता रहा हूँ ठीक है, मेरे इतने ज्यादा नंबर आए नहीं मैथ्स में तो मैं गाइड करूँ ऐसे अच्छा भी लगता भी नहीं है, बट मैंने ये भी किया था। एंड कॉमर्स वाले हो यार, तुम्हारा मैथ्स अकाउंट्स करते हो सारा साल ठीक है, मैथ्स के लिए टाइम बचता नहीं है। सो एंड वाले 3-4 महीने में जब मैं मैथ्स करना शुरू हुआ था, बस मैं मैथ्स कर रहा था, अकाउंट्स नहीं कर रहा था, तो मैंने ये वाली किताबें उठाई थी। बट ये बात है कि क्लासेस में रेगुलर होना, अपना मैथ्स थोड़ा करते रहो साइड बाय साइड, ये नहीं कि बिल्कुल इकट्ठे हो तुम ठीक है। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो इस किताब पे आ जाओ, सॉल्यूशन यही है। अभी एनसीईआरटी पकड़ लो, उस सब्जेक्ट की कर लो, उससे पेपर काफी हद तक तुम्हारा आ जाएगा। जैसे जैसे हमारे तो अरिजीत भी बोल रहा है कि सैम्पल पेपर करो, मैंने भी वही किया भाई साहब, उससे से आ जाएगा काफी पेपर, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या सिस्टम हो रहा है। और अब जो आपके पास ये वाला टाइम है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो कॉन्सेप्ट्स आपको डाउटफुल लग रहे हैं कि क्लैरिटी कॉन्सेप्ट्स नहीं है क्लियर करने हैं मेन। हाँ जी, तो मैथ्स अकाउंट्स ये सब कॉन्सेप्चुअल है, एक बार वो क्लियर हो जाएगा तो बहुत आपका लोड कम हो जाएगा। तो इन डेज में आप उनको ब्रशअप कर लो और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस इन सब पर आ जाओ। देखो एट द एंड आपने ये बात नोटिस करी होगी, जिन्होंने भी ये बात बोली है कि इन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस दबा के करी है ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि इन्होंने पढ़ लिया, 2-4 टेस्ट दे लिया, काम खत्म हो गया। तो एट द एंड आपने इनकी बात नोटिस करी होगी, भाई किसी ने 12-15 CBSE के पेपर सॉल्व करे ठीक है। यहाँ पर मैं कोमल को भी ऐड करना चाहूंगा कि कोमल मुझसे कह रही थी कि सर 90 तक तो हम पहुंच जाते हैं, 90 से 100 का जो रास्ता है ना वो नहीं पहुंच पाते, जस्ट बिकॉज कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं ठीक है कोमल। तो अरिजीत और अरमान और शायना भी मेरे साथ इस बात पे एग्री करेंगे कि जैसा अरिजीत ने बोल दिया कि 90 तक तो आपकी मेहनत है, लेकिन 90 से 100 के ऊपर या तो आपकी किस्मत काम करेगी या ये कह लो कि आपकी सिलेमेस्टिक्स आपको बचाएंगे ठीक है। क्योंकि टीचर क्या होता है, देखो सीबीएसई की मैं आपको चेकिंग बताऊं, सीबीएसई में चेकिंग इस तरीके की होती है कि मार्क्स बांटे जाते हैं, अनलेस कि आप कुछ मिस्टेक कर कर आओ ठीक है, आप जानबूझ के कोई सिली मिस्टेक कर कर आते हो तो आपके नंबर कटेंगे। अदरवाइज सीबीएसई की मार्किंग स्कीम भाई मैंने देखी है, सीबीएसई के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप अगर BST में हेडिंग्स भी लिखकर आते हो ना, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स भी लिखकर आते हो तो 6 में से 3 नंबर मिल जाते हैं। तो ये समझ लो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना तो 6 में से 6 तो वैसे ही मिलते हैं ठीक है। सिमिलरली विद आपका क्या कहते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स, तो आपको बस एक बात का ध्यान रखो, जितना हो सके राइटिंग प्रैक्टिस करो। इसके अलावा आपको जहां लगता है कि यार मेरे को यहाँ पर नंबर मेरे कटते हैं हमेशा, क्यों कटते हैं, तो आप मुझसे पूछो या फिर आप अपने स्कूल के टीचर को पकड़ लो। आप ये कह लो कि सर मैं एक दिन स्कूल आऊंगा, अब तो मैं स्कूल नहीं आने वाला, मैं एक दिन स्कूल आऊंगा, मेरे 10, 20, 50, 100 जितने भी डाउट्स हैं आप उनसे करवाइएगा ठीक है। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंट जैसा सब्जेक्ट है तो भैया आपके पास इसके सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं नेट पर या फिर आपको मार्किंग स्कीम में मिल जाएंगे। तो उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको टीचर की जरूरत है कि ये चेक कराने के लिए मुझे पूरे मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। बट आप उसमें ये चीज कर सकते हो थ्योरी सब्जेक्ट में, जैसे बिजनेस स्टडीज हो गई या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया या इंग्लिश हो गया या PE हो गया या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पर। इसके अलावा आपको अगर डाउट लगता है तो आप टीचर के पास जाओ, मुझे कॉपी दिखाओ या कैसे भी करो, पॉसिबली आप कॉपी चेक करवाओ कि सर मुझे यहाँ पर पूरे मार्क्स चाहिए, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ये कहाँ गलती कर रही हूँ, पीछे पड़ जाओ टीचर्स के ठीक है। इस समय आपको क्या है, सब 80s वाले तो आ रहे हैं,
ठीक है सर, 80s वाले तो पहुंच रहे हैं, लेकिन 80 से 90 या 90 से 100 तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, राइटिंग प्रैक्टिस एंड टीचर के पीछे पड़ जाओ कि हमको बताओ कहां मिस्टेक्स होती है, या टीचर्स को ये बताओ कहां मार्क्स मिलते हैं तो हम वहां फोकस ज्यादा करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? सर हम अगर किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको हम हर बार लिख लिख कर रिवाइज करेंगे या याद करेंगे कुछ उस टाइप में, मान लीजिए अरमान कैरी कर लियो लेकिन अगर तुम याद करोगे यार देखो इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, लिख कर याद करोगे उससे अच्छा लिख कर याद करने से पेपर दे दो उस चीज का, एक टेस्ट पेपर पकड़ उस वो टेस्ट पेपर कर दे, काम खत्म कर उसका, साथ साथ में रिवीजन भी है वो साथ साथ में तुम्हें पता बता भी देगा कितने पानी में तुम। मैं तो ये करता था, मैं पेपर पकड़ देता था उसका, सर से मंगा लेता था पेपर कोई भी, या फिर मतलब तुम किताबों से पकड़ लो, एक हर एक पेपर के टेस्ट होता है, या फिर एक काम करो क्वेश्चन पेपर जैसे एनसीईआरटी के बैक में होते हैं ऐसे, यार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ रुको, ये वाले ठीक है, आई होप अगर दिख रहे होंगे, उल्टे दिख रहे होंगे बट आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये वाले पेपर हैं ठीक, ये वाले क्वेश्चंस हैं ठीक है, ये क्वेश्चंस पे आ जाओ, तुम मन में ही सोच लो ना अगर कि इसका ये लिखना है, इसका ये लिखना है, इसका ये हो गया, क्लैरिटी है, लिख कर देखने का यार टाइम नहीं है। इंग्लिश में अगर हो तो इंग्लिश में वो अलग बात है, एंड अगर क्रिश अग्रवाल पूछ रहा है जब इंग्लिश और पीई का तो भाई मैं गाइड ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ना शुरू किया था उसका ठीक है, क्योंकि मेरे वो स्कीम में ही नहीं था, स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं था, मैं भाई डीयू में एडमिशन लेनी थी, मुझे पीई काउंट नहीं होता उसमें, 2.5% डिडक्शन है, तो जैसे तुम अगर कल सोचो 2.5% तुम डिडक्ट हो गया, जो टॉप कॉलेजेस हैं एसआरसीसी है, हंसराज हिंदू ठीक है, ये तुम्हारी लीग से बाहर हो जाएंगे सीधा, अगर तुम 100 भी लाते हो तब सब में तब, तो सीधी बात है अपना स्ट्रेटेजी सोचो। इंग्लिश में मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इंग्लिश मतलब लिख के देख लो, प्रैक्टिस करो, टीचर से चेक कराओ, बताओ कि उनके कहां कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, एंड इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग अगेन, सेक्शन बी जो है उसका राइटिंग का पार्ट आता है वो प्रैक्टिकल है, एंड जहां तक लिटरेचर का हर किसी के पास यार वो बीबीसी को कुंजी आती है गाइड उसे बोलते हैं, जो तुम थोड़ा ब्राविया जो भी है, हाँ 2-3 गाइड्स आती हैं वो देख लो, स्टैंडर्ड गाइड्स होती हैं वो, बट मेन चीज तो यही है ना कि हम तो भैया अभी जैसे मेरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो इंग्लिश के मैं पेपर सॉल्व करूं या फिर क्वेश्चंस करूं, राइटिंग पार्ट पे कोई टॉपिक ले लूं उस पे लिखना स्टार्ट करूं? मेरी लिटरेचर कंप्लीट थी, मैंने राइटिंग सेक्शन भी प्रैक्टिस की एंड वाले दिनों में, पुराने पेपर उठाए उसका राइटिंग सेक्शन देख लिया। तुम्हारे पास अगर कोई मटेरियल नहीं है तो सीबीएसई का प्रीवियस ईयर पेपर, मैं प्रीवियस ईयर पेपर देखता था बस उसके, इंग्लिश के स्पेशली, कोई मैंने बुक नहीं खरीदी उसके लिए, एंड अर्जित के ज्यादा मैंने जस्ट सैंपल पेपर्स ही किए थे, वो बेटर गाइड कर पाएगा। इंग्लिश में जब भी क्वेरी थी तो मैं उनसे एक बार ये पूछना चाहूंगा, उन्होंने एक बार वर्ड टू वर्ड चैप्टर रीड किया हुआ है ना सारे चैप्टर्स लिटरेचर में, और कंपेनियन के क्वेश्चंस भी रीड किए हुए हैं? ठीक है, तो मतलब चैप्टर टिप्स पर होना चाहिए, मतलब आपको अच्छे से आना चाहिए, राइटिंग के लिए आप पास्ट पेपर्स देख सकते हैं और उसमें से जो टॉपिक्स हैं उनको लिखना शुरू कर दो, और इंग्लिश के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल शीट्स होती हैं जो हमको पेपर में लिखना होता है तो उस पे आप प्रैक्टिस करो, जितनी वर्ड लिमिट बननी चाहिए उस हिसाब से करो, पैराग्राफ्स देखो, खुद एनालाइज करो उसको, तो इंग्लिश के अंदर ऐसे काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, और मतलब मेन यही है कि जो भी आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है उसको ऐसे करो कि अब फाइनल के लिए ही बैठ रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है तो उसको हॉरिजॉन्टल शीट्स वाले पर करो और उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करो, तो इससे आपको एग्जाम में भी काफी हेल्प हो जाएगी।
और भैया इंग्लिश में ना प्रॉब्लम आती है, स्पीड की आती है, जो पेपर हमेशा रह जाता है मेरा, जो लाइक प्री बोर्ड या फर्स्ट टर्म की होता है, उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है, मेन प्रॉब्लम स्पीड की आती है। इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बेस्ट रहेगी अपना अपना जो आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उसको सेक्शन ए बी सी का टाइम नोट करना शुरू करो, उसके बाद आप चेक करो कि किसमें आप कम कर सकते हो, किसमें आप ज्यादा टाइम ले रहे हो। तो मैंने बेसिकली इंग्लिश में क्या किया था, जैसे अर्जित बोल रहा है, मैंने ना डिवीजन कर ली थी कि इतने मिनट इसको दूंगा, इतने मिनट इसको दूंगा, इतने मिनट इसको दूंगा। ये घड़ी मेरे पास अभी भी है, ये घड़ी थी साथ, ठीक है, एंड डिट्टो इसके उसके अकॉर्डिंग चला मैं, एंड एंड वही करो यार। मैं ये अच्छी बात तो नहीं है, बट पहले वाले पेजेस में कोई कटिंग नहीं है, एंड एंड में जाके तुम गदर मचा दो एकदम पेपर में, कोई चक्कर नहीं है। पेपर कंप्लीट होना चाहिए, अच्छी राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ज्यादा नंबर कटेंगे पेपर अगर इनकम्प्लीट किया तो। चलो एक तुम देख लो कहाँ पे ज्यादा डाउन साइड बात मैं ऐड करना चाहूंगा इंग्लिश को लेके खासकर, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला कि आप अपने रीडिंग में कितना टाइम देना, राइटिंग में कितना टाइम देना और लिटरेचर में कितना टाइम देना, वो मैनेज कर लो, ठीक है। लेकिन इसमें एक मैं आपको जरा बैक एंड से बताऊंगा कि नंबर कैसे मिलते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल हो पाए तो आप एक काम करना, पिछले साल का मैं आपको एक काम करूंगा, बोर्ड का पेपर दे दूंगा और इसकी मार्किंग स्कीम दे दूंगा, ठीक है। तो एक काम करना, आप उस पेपर को पहले खुद सॉल्व करना और फिर मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम के हिसाब से जब देखोगे ना कि टीचर को क्या इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आपको मार्क्स कैसे देने हैं, तो उसमें आप देखोगे कि हम जिस हिसाब से सोच के पेपर दे रहे हैं, सीबीएसई ऑल टुगेदर डिफरेंट तरीके से बोल रहा है कि मार्क्स इसी और तरीके से बांट लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, आप एक लेटर लिख रहे हो, लेटर में ख्याल से 7 नंबर का आता था तुम लोगों का, 4 नंबर का सर आई गेस, जो भी है 5 का, 5 का है, 10 का है, जितने का भी मुझे आइडिया नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि 10 का होता है, हाँ, तो जितने का मार्क्स भी होता मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि इसका पेपर मैंने काफी टाइम से नहीं देखा। तो उसमें क्या होता है, 1 मार्क फॉर हेडिंग, 3 मार्क्स फॉर कंटेंट, 3 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन, 3 मार्क्स फॉर ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिवाइडेड होता है, मतलब ये कह लो तुमने टाइटल लिख लिया, 2 पेज भरती, 4 नंबर तो तुम्हें भाई मिलेंगे ही मिलेंगे, समझ लो इस बात को, ठीक है। 10 में से 4 तो तुम्हें मिलने हैं, तो तुमको तुम्हारा ध्यान ये नहीं होना चाहिए भाई पन्ने भरने, तुम्हारा तुम्हारा माइंड से शिफ्ट होना चाहिए कि भैया एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए। एक्सप्रेशंस का मतलब क्या हो गया, जो उसमें बात कही जा रही है वो एक फ्लो में कही जा रही हो, ठीक है, मीनिंगफुल बात कही जा रही हो, ठीक है। अगर तुम एक्सप्रेशंस पे लिखना चालू कर दिए तो तुम्हारे 10 में से 7 नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हारे ग्रामेटिकल एरर्स अच्छे हैं तो तुम 10 में से 9, 9.5, 10 तक स्कोर कर सकते हो। तो बात ये आती है कि आपको पहले मार्किंग स्कीम को रीड करो कि टीचर को क्या बोला जाता है कि बेटा तुमको कैसे नंबर देने हैं, समझ में आया ये वाली बात। अगर आप ये चीज को फॉलो करते हो ना तो आपका माइंडसेट बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा कि मुझे इंग्लिश को प्रिपेयर करने का तुम्हारा तरीका बदल जाएगा। अभी तुम्हारे दिमाग में आता है अरे भाई लेटर आ गए, भैया पन्ना भरना है, पन्ना भरना, भाई पन्ने भरने के मार्क्स नहीं है उसमें। अगर आप लेटर एक पेज का भी लिखते हो ना तो भी 10 में से 10 देता है टीचर, बशर्ते आपकी थोड़ी सी वर्ड लिमिट पूरी हो गई हो, आपके एक्सप्रेशन सही हो, आपकी ग्रामेटिकल एरर सही हुई हो। इस चीज पर आप फोकस करना क्योंकि फॉर्मेट फुलफिल करो। हाँ बिल्कुल, फॉर्मेट के भी मार्क्स तो होते हैं कि फॉर्मेट के आपका 1 या 1.5 मार्क्स होता है, या अब शायद बदल गया हो तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन आपको बैक एंड से सोचना पड़ेगा कि टीचर को क्या बोला जाता है मार्क्स देने के लिए। तो उसी चीज को अगर आप फॉलो करोगे तो वो चीज आपको गाइड करेगी कि कैसे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। जैसे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर हमको लिटरेचर में ना याद, कहानी सुन ली, समरी पढ़ ली, बात खत्म, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि एक दो लाइन बीच में से उठाकर वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम गलती कर जाते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमको यही नहीं पता लगता कि टीचर को बोला कहाँ जा रहा है कि कहाँ मार्क्स देना है। समझ में आ रहा है आपको ये वाली बात या नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अकाउंट्स के पेपर की बात बताता हूँ। जैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं तो 2 लिखना होता है डेबिट साइड में, बाय लिखना होता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। सीबीएसई ने यह बोला हुआ अगर बच्चा 2 ना लिखे, बाय ना लिखे तो मार्क्स काटने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, इंस्ट्रक्शन में बोला जाता है अगर डेबिट में आपने मान के चलो कैश अकाउंट डेबिट टू डेबिट साइड में 2-2 करके नहीं लिखा है, क्रेडिट साइड में बाय बाय करके नहीं लिखा, आपने डायरेक्ट नाम लिख दिए तो भी मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे।
तो ये सोचो क्वेश्चन में अगर 10 अकाउंट बनाने, आपने 10 में 2 बाय नहीं लिखे तो आपके कितने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स बच गए, और यहाँ पर आपका कम से कम 3 से 4 मिनट बचता है अगर आप पूरे पेपर को कैलकुलेट करो तो, और वो एक क्वेश्चन के पास चला जाता है। तो जिसको पेपर छूटने की बीमारी है ना, उसको 5-6 मिनट तो ऐसे ही मिल जाते हैं। तो आपको इतनी बारीकी में जाना पड़ेगा अगर आपकी स्पीड धीरे है तो, तेज है तो वाई नॉट आप आराम से पेपर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं आपको अभी अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का और आपका फिजिकल का और इंग्लिश का मैं आपको मार्किंग स्कीम ग्रुप में शेयर करता हूं। आप उसको देखिएगा, रीड करिएगा लाइन बाय लाइन पूरे पेपर को कि टीचर्स को मार्क्स कैसे अवॉर्ड करने होते हैं, टीचर्स को कैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। आप इसको फॉलो करिए, आप देखेंगे आपको कितना रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मैं अरमान, अर्जीत और शाइना से भाई लोगों में आपको डिस्टर्ब करता रहूंगा टाइम टू टाइम। ठीक है, कि ऐसी और मैं एक और चीज में ऐड करूंगा, ग्रामेटिकल एरर्स के काफी मार्क्स कटते हैं, वो एक बार देख लेना कि ग्रामेटिकल एरर ना हो तुम्हारे, बाकी कोई चक्कर ज्यादा नहीं होता इंग्लिश में। मतलब तुम बस एक बेसिक मतलब नोटिस लिख रहे हो तो बेसिक टेनेंट कवर कर लो, डेट टाइम वगैरह के, वो हो जाएगा। हाँ भाई, प्रेजेंटेशन ये बिजनेस के लिए कैसे करती है, प्रोवाइडेड होता है अगर प्रेजेंटेशन पेपर की अच्छी है। एंड जो सर ने वो चीज बताई है 1+3+3 वाली, तो वो बिल्कुल करेक्ट है, तो मैंने भी इसको काफी फॉलो किया, तो एक्सप्रेशंस पे काफी वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, मतलब वो काफी अच्छी चीज बताई है। विद प्रैक्टिस आ जाती है यार, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। हां, रिटन प्रैक्टिस से हो जाएगा वो। आई होप आज आपको बीएसटी के लिए यार सेम स्ट्रेटजी फॉर आईडी, कोई फर्क नहीं उसमें, रिपीट करो जितना जो भी आए इंडियन इकोनॉमिक्स बताया वो सेम उसके लिए फॉलो कर लो जितना हो सके। रिपीट करो भी जैसे आंसर्स के लिए कैसे, मतलब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आंसर्स है वही रीड करें या कैसे, मतलब आंसर्स को इनोवेटिव बनाए पॉइंट्स के। इनोवेटिव नहीं बनाना सीबीएसई में इंग्लिश के पेपर में भी इनोवेटिव नहीं बनाना भाई, वो टीचर देखेगा, टीचर एक एक झटके में पढ़ते हैं लाइन, सोचते नहीं है वो पढ़ने वक्त, ठीक है, एंड उसको समझ में नहीं आई एक मिनट में वो गलत कर देगा, तुम्हारा आगे बढ़ेगा, तुम देखो उसको इंसेंटिव क्या है तुम्हारा पेपर चेक करने का, इनोवेट करने का जाओगे तब फंसोगे, उसको एक कॉपी चेक करने के 30 रुपए मिलते हैं बस। ठीक है, तो उसे कोई देख लो तुम्हारी कॉपी के वेट नहीं करने का। इंग्लिश में मैं ये गलती करता था, इंग्लिश में भाई साहब अपनी तरफ से अच्छे से लिखो, नए से नया लिखो, तुम नए के चक्कर में जाओगे घिसा पिटा नहीं लिखोगे तुम्हारा नंबर गए, वो दिस इज टू इन्फॉर्म करके ही शुरू करना तुम्हें। एंड बीएसटी में जहां तक चक्कर है तो तुम वो देख लो, एक सुभाष जी की किताब आती थी केस स्टडी वाली है ना मोटी, वो तेरी अलका धवन भी आती है, सुभाष जी की भी आती है, वो तो सारी कंप्लीट गाइड है सुभाष जी की। अरे मैंने तो अपनी किताब दे रखी 160-500-600 केस स्टडीज वाली बुक है। हाँ, वही कर लो, सफिशिएंट है तुम्हें ये वाली सुभाष दी है भैया। कौन सी है, रुको, एक यार मोटी किताब आती थी वो काफी, देखो मैं बीच में टोक रहा हूँ, वीडियो एंड होने वाली है तो क्या मैं दोबारा रीस्टार्ट कर दूं, नया लिंक देके? हाँ, ये वाली आर्यन खान के पास वो सेम बुक है, वो यही वाला एडिशन था मेरे पास भी, तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं अभी दोबारा लिंक दे रहा हूँ।